हे हेलो, वेलकम बैक टू माई चैनल लर्निंग टू लर्न। एंड आज हम करेंगे रीडिंग कम्प्रिहेंशन। येस, वी आर गोइंग टू डू रीडिंग कम्प्रिहेंशन। नेट का फर्स्ट, मतलब नेट के फर्स्ट पेपर का फर्स्ट चैप्टर है टीचिंग एप्टीट्यूड। येस, सेकेंड चैप्टर है रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड थर्ड चैप्टर है रीडिंग कम्प्रिहेंशन। सो ये जो रीडिंग कम्प्रिहेंशन है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट एंड मोस्ट स्कोरिंग 5 मार्क्स जो आपको, मतलब पक्के पकाए मिलते हैं। आपको पूरा पैसेज दिया जाता है, उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस होते हैं। आपको सिर्फ वो पैसेज पढ़ना है और उसमें से उसके आंसर्स निकालने हैं और कुछ नहीं करना है। सो दिस इज़ वन ऑफ द इजिएस्ट थिंग यू कैन डू इन द एग्जामिनेशंस इफ़ यू हैव गुड इंग्लिश। येस, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। सो और जिन लोगों की इंग्लिश अच्छी नहीं है, प्लीज़ ट्राई करें कि आप इम्प्रूव करें, थोड़ा और रीडिंग करें। इसमें प्रैक्टिस बहुत काम आती है। सो जब आप इस तरह का क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं रीडिंग कम्प्रिहेंशन का, कुछ चीज़ों के बारे में ध्यान देना बहुत 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 ज़रूरी है। वो हम आज करेंगे। सो हेलो ऑल, आई एम अदिति, अदिति विनोद आर्य, एंड दिस माय चैनल लर्निंग टू लर्न, एंड यू ऑल आर वेलकम। और जिन्होंने भी नेट का फॉर्म भरा है और जिन्हें जो भी प्रिपरेशंस कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट। प्लीज़ रेगुलर अच्छे से प्रिपरेशंस करें, कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछें। और मैं सोच रही हूँ हर रोज़ एक कम्प्रिहेंशन का वीडियो डालूँ, जिसमें मैं एक कम्प्रिहेंशन रीड आउट करूँगी और उसके आंसर्स हम लोग मिलके फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। इज दिस ओके? सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज आर फर्स्ट स्पेसिमेन पैसेज। एंड आई एम थिंकिंग ऑफ डाउनलोडिंग सम अदर स्पेसिमेन पैसेज जो अभी एग्जामिनेशंस में हाल ही में पूछे गए, सो हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट विथ दैट। बट पैसेज पढ़ने से पहले 2-3 चीज़ें याद रखें। पैसेज को काफ़ी सारे, मतलब मैंने नेट पे सर्च किया है कि रीडिंग कम्प्रिहेंशन किस तरह करना चाहिए। आधे लोगों ने बोला है रीड इट 2-3 टाइम्स। 2-3 टाइम्स पढ़ने का टाइम नहीं होता एग्जाम्स में, इट इज़ रियली नॉट पॉसिबल। जो हमें टाइम मिलता है वो हम 100% यूटिलाइज करना चाहते हैं। ऑफकोर्स अगर मैं ये पैसेज 2 या 3 बार पढ़ने गई तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। सो फर्स्ट, इसमें उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। सेकेंड, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, इट इज़ वेरी वेरी ईजी। शांति से आप पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, आपको आ जाएगा। एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर समझना है तो वापस पढ़ें, दिस इज़ द की। फाइन, सो आज हम एक स्पेसिमेन पैसेज पढ़कर ट्राई करते हैं कि हमें कितना आ रहा है। फाइन, सो आई कीप इट, आई जस्ट एडजस्ट इट अ बिट, वेट अ सेकेंड। ओके, दिस इज गुड। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। ओके, मैं जहाँ जहाँ पढ़ रही हूँ वहाँ वहाँ पेन रख रही हूँ सो दैट वी कैन हैव अ ट्रैक। In the lack of good knowledge of grammar, it is impossible for one to write correctly and effectively. फर्स्ट थिंग, जब भी आप पढ़े हर एक सेंटेंस, हर एक वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने फर्स्ट जो लाइन पढ़ी है उसका मतलब, अगर ग्रामर की नॉलेज नहीं है तो ये इम्पॉसिबल, या इम्पॉसिबल को हिंदी में क्या बोलते हैं, ये असंभव है कि कोई अच्छे से इफेक्टिवली और सही से लिख पाए। इतनी इंग्लिश मुझे आती है कि मैं उसको हिंदी में कन्वर्ट कर सकती हूँ, ये आपको आना चाहिए। इट मस्ट बी बोन इन माइंड, इट्स नॉट बोन, BONE नहीं, ब्रोन, BORNE, बोन, बट हम प्रोनाउंस करेंगे बोन। इट मस्ट बी बोन इन माइंड दैट ऑल वेल इन्फॉर्म्ड एंड नॉलेजेबल पर्सन्स जज अ मैंस माइंड बाय हिज राइटिंग और स्पीकिंग। ये ध्यान में रखना चाहिए कि जितने भी नॉलेजेबल पर्सन हैं, जिनके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, उनको किस तरह जज किया जाता है, उनको किस तरह माना जाता है कि भाई उसे पढ़ना और लिखना और अच्छे से बोलना आना चाहिए। नेक्स्ट, इसके बाद मैं वर्ड टू वर्डिंग, मतलब सेंटेंस टू सेंटेंस जा रही हूँ। एक फुल स्टॉप, जो फुल स्टॉप होता है ना, बिंदी, उसके बाद वो जो भी सेंटेंस होता है वो एक नया सेंटेंस बन जाता है। सो मैं सेंटेंस बाय सेंटेंस जा रही हूँ। फाइन, सो इसके बाद हम कहाँ थे? यस, इंडीड To acquire the knowledge of grammar, it is not an easy task. Yes, grammar ki knowledge lena easy task nahi hai. The grammar is not like arithmetic. Grammar maths ki tarah nahi hai. A science consisting of several distinct departments, some of which may be dispensed with. It is a whole, and a whole must be learned, and no part is learned. ये अर्थमेटिक, मतलब ये मैथ्स नहीं है, ये साइंस की तरह है जिसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं और कुछ तो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है
और एक पूरा सब्जेक्ट या एक पूरा बन जाता है. और वो जो पूरा, होल मीन्स पूरा, WHOLE नॉट HOLE, होल मीन्स छेद एंड होल WHOLE मतलब पूरा. हमें उसे पूरा पढ़ना है, पार्ट में नहीं पढ़ा जा सकता. इट्स लर्निंग डिमांड्स मच रिफ्लेक्शन एंड मच पेशेंस, बट वेन वंस द टास्क इज परफॉर्म, इट इज परफॉर्म फॉर लाइफ एंड इन एवरी डे फॉर दैट लाइफ, इट विल बी फाउंड टू बी इन अ ग्रेटर और लेस डिग्री अ सोर्स ऑफ प्लेजर और ऑफ प्रॉफिट और बोथ. अभी यहाँ से जो हमने पढ़ा था उसका मतलब है, ये लर्निंग जो भी आप कर रहे हो, ये जो भी पढ़ रहे हो, वो उसकी ज़रूरत है कि आप उसे अच्छे से पढ़ो, पेशेंस के साथ पढ़ो. और अगर एक बार आपने ये काम कर लिया तो ये लाइफ भर तक आपके साथ रहेगा, आपको फ़ायदा होगा इससे. और प्रॉफिट भी होगा, बोथ ग्रेट सोर्स ऑफ प्लेजर और प्रॉफिट, आपको इसे सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा और प्रॉफिट भी मिलेगा. द लर्नर ऑफ ग्रामर हु नीड्स नो बॉडीली एक्सर्शन, इसमें कोई मेहनत नहीं लगती, फिजिकल मेहनत नहीं लगती. इट एक्सपोजेज द स्टूडेंट टू नॉट कोल्ड, नो हंगर, नो सफरिंग ऑफ एनी सॉर्ट. इससे स्टूडेंट में कोई भूख, कोई सफरिंग कुछ नहीं होता. What more, the study does not affect the hours of business nor the hours of necessary exercise, but the hours usually spent on the tea and coffee shops and mere gossip will accomplish, which accompanies them. इससे बड़ी बात क्या होगी कि इस प्रक्रिया में, मतलब ग्रामर को पढ़ने की प्रक्रिया में, आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको घंटों घंटों लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है. आप सिर्फ कॉफ़ी शॉप में बैठ के किसी से बातें करके भी ये काम कर सकते हैं. द वेस्टेड आवर्स ऑफ ओनली वन ईयर एम्प्लॉयड इन द स्टडी ऑफ इंग्लिश ग्रामर वुड मेक यू अ करेक्ट स्पीकर एंड राइटर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. अगर आपने एक साल पूरा दे दिया, वेस्ट कर दिया ग्रामर के पीछे, तो हो सकता है ये चीज़ आपको लाइफ भर करेक्ट ग्रामर बोलने और लिखने में हेल्प करे. वन नीड्स नो स्कूल, नो स्टडी रूम, नो एक्सपेंसेस एंड नॉट मेनी ट्यूशंस एंड कोचिंग ऑफ एनी सॉर्ट. किसी को भी ग्रामर पढ़ना हो तो उसको कोई स्टडी रूम, कोई एक्सपेंसिव टीचर, कोई क्लासेस, कोई ट्यूशंस नहीं चाहिए. इफ यू आर विलिंग, यू कैन अकम्प्लिश दिस अंडरटेकिंग विथ ईज, वेदर यू आर प्रॉपर या पुअर, pressed with business and other conveniences and have many other sort of problems. अगर आपको पढ़ने की इच्छा है तो आप ये काम कर सकते हैं, भले ही आप पुअर हो, रिच हो, बहुत बिजी हो, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो, तो भी आप ये कर सकते हैं. पैसेज सिंपल था, बहुत सिंपल था. स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसने ग्रामर की बात की. अगर ग्रामर आप एक बार पढ़ लोगे तो लाइफ भर आपका काम आएगा. तीन चार मेन पॉइंट्स थे. अगर मैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक करूँ तो चार पांच मेन पॉइंट्स है. फर्स्ट, ग्रामर इजी है, ये उसने बोला है क्लियरली. सेकेंड, ग्रामर मैथ्स नहीं है, ग्रामर साइंस की तरह. अग्रीड, ग्रामर को पूरा पढ़ना पड़ेगा, आधा अधूरा नहीं पढ़ सकते, ठीक है. ग्रामर इजी है, आप उसको पढ़ने के लिए एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है, फिजिकल पेन की ज़रूरत नहीं है, उन सब की चीज़ें कोई ज़रूरत नहीं है. ओके, उसके बाद एक बार आपने ग्रामर पढ़ लिया तो वो आपके लाइफ लॉन्ग काम आएगा. ये इसका की पॉइंट्स है, इस पूरे पैसेज के पांच या छह की पॉइंट्स है, वो हमने उठा लिए. अब क्वेश्चन एंड आंसर्स सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. द फर्स्ट वन, व्हाई इज़ द नॉलेज ऑफ ग्रामर एसेंशियल, ग्रामर की नॉलेज ज़रूरत क्यों है. इट इज़ एसेंशियल फॉर इमेज इन द सोसाइटी, इट इज़ अ मस्ट टू जज द माइंड ऑफ अदर्स, इट इज़ एसेंशियल फॉर गुड स्पीकिंग एंड राइटिंग, फोर्थ नन ऑफ दिस. द आंसर इज सी, ये गुड स्पीकिंग और राइटिंग के लिए ज़रूरी है. क्यों, ये आई गेस अपने ये रहा, ये वाला लाइन है ना, राइटिंग एंड स्पीकिंग, ये वाला लाइन, द सेकेंड एंड द थर्ड लाइन. हाउ शुड ग्रामर बी लर्न, ग्रामर किस तरह पढ़ना चाहिए. जैसे ये वाले में बोला था ना, ग्रामर पढ़ने के लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, टीचिंग की ज़रूरत नहीं है, बहुत कुछ पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है या एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, राइट. इट इज़ द सेम थिंग, इट मस्ट बी लर्न एज अ होल. यस, इसको हम होल पढ़ेंगे, बिकॉज देखो, अ साइंस कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट्स, सम ऑफ विच मे बी डिस्पेंस्ड विथ, इट इज़ अ होल एंड द होल मस्ट बी लर्न एंड नॉट पार्ट. द स्टडी ऑफ ग्रामर, मतलब फर्स्ट का आंसर आया सी, सेकेंड का आंसर आया ए, बाकी सब पढ़ने की भी जरूरत नहीं है. थर्ड, द स्टडी ऑफ ग्रामर डिमांड्स कॉन्स्टेंट बॉडी एक्सट्रीशन, नहीं उसने
यहाँ पर सीधा मना किया है कि भाई बॉडी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ पेन नहीं होगा जैसे आप एक्सरसाइजेस करते हैं वैसा। ओनली लीजर टाइम, यस आपका जो फ्री टाइम है वो काम आएगा, क्योंकि इसमें क्लियरली लिखा है ये देखिए, बट द आवर्स यूजुअली स्पेंड ऑन टी एंड कॉफी शॉप्स एंड मेयरली गॉसिप टू विच अकम्पाइंस देम। इसका मतलब कि वो सारा टाइम जो आप गॉसिप में बिताते हैं, गप्पे मारने में बिताते हैं, चाय कॉफी पीने में बिताते हैं, वो फिजिकल हार्डशिप नहीं, क्योंकि उस पैसेज में उसने मना कर दिया है। एंड लास्ट, हैवी एक्सपेंसेस फॉर ट्यूशन और कोचिंग, वो भी उसने मना किया है। यू नीदर नीड दिस एनी ऑफ दिस, आपको कोई स्टडी रूम नहीं चाहिए, आपको कोई एक्सपेंसेस नहीं चाहिए, कोई ट्यूशन नहीं चाहिए, कोई कोचिंग नहीं चाहिए। सो द आंसर बिकम्स बी, ओनली लीजर टाइम। अ सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रामर इन द लाइफ, द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रामर इन राइटिंग, द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रामर एंड नन ऑफ दीज। ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, इसका आंसर आपको कॉमन सेंस से लगाना पड़ेगा। नाउ इसका आंसर ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें लाइफ की बहुत बात की गई है। अगर आपको लाइफ लॉन्ग अच्छे से बोलना है, राइटिंग करनी है, लिखना है, तो आपको ग्रामर अच्छे से आना चाहिए। बट इसका करेक्ट आंसर है द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रामर, इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रामर इन रीडिंग, इन राइटिंग, इन स्पीकिंग, इन योर लाइफ, इन एवरीथिंग। सो द करेक्ट आंसर इज सी, इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रामर। टू मोर क्वेश्चन टू गो, लास्ट दो क्वेश्चन है, वो हम फटाफट कर लेते हैं। आई होप आपको दिख रहा हो, आई विल जस्ट एडजस्ट द कैमरा। ओके, एक्विजिशन, ओके यस, एक्विजिशन ऑफ द नॉलेज ऑफ ग्रामर, आप किस तरह ग्रामर के नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं। हैपन्स बाय सबकॉन्शियस लर्निंग, कैन ओनली बी डन थ्रू ट्यूशंस एंड कोचिंग, इट इज एन ईजी टास्क, इट इज नॉट एन ईजी टास्क। जब हमने फर्स्ट पैरा पढ़ा था ना और की पॉइंट्स नोट किए थे, तो सबसे पहले लिखा था इट इज नॉट एन ईजी टास्क, इसमें मेहनत लगेगी। सो द फिफ्थ आंसर विल बी डी, इट इज नॉट एन ईजी टास्क। सिक्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द लर्निंग ऑफ ग्रामर इज अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, विलिंगनेस टू लर्न, क्वालिटी ऑफ कोचिंग, द मॉनिटरी मीन्स। इसमें तीन गलत है। हमें अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, हमें टाइम नहीं चाहिए, क्योंकि पैराग्राफ में क्लियरली बोला है कि लीजर टाइम चाहिए। लीजर मतलब आपका फालतू टाइम जिसमें आप कुछ नहीं कर रहे। विलिंगनेस टू लर्न, यस पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। क्वालिटी ऑफ कोचिंग, उसमें मना क्या है कि भाई कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत पैसे की ज़रूरत नहीं है, कोई अच्छे क्लासेस की ज़रूरत नहीं है आपको। फिर मॉनिटरी मीन्स, पैसे देने की ज़रूरत है, नहीं। तो आंसर हो जाएगा बी, विलिंगनेस टू लर्न। आई गेस ये वीडियो आपको हेल्प हुआ हो, बिकॉज पढ़ना मतलब यू कैन से अपने आप से बैठ के पढ़ना, और कोई और बैठ के आपको पढ़ाता है या समझाता है, तो एक बहुत इफ़ेक्टिव वे होता है। आई पर्सनली बिलीव कि भाई अगर सपोज आप अकेले पढ़ रहे हैं तो इट बिकम्स बोरिंग समटाइम्स, बट अगर आपको पॉइंट टू पॉइंट कोई समझाता है, स्पेशली वो जिनका इंग्लिश बहुत वीक है, अगर आपको पॉइंट टू पॉइंट कोई समझाता है तो आपको बहुत हेल्प होती है। आई नो दैट, बिकॉज मेरी भी इंग्लिश काफ़ी सालों तक वीक रही है, एंड आई हैव इम्प्रूव्ड इट ड्रास्टिकली। इंग्लिश इम्प्रूव करने के अपने अपने स्किल्स होते हैं, वो आपको अपने हिसाब से ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि हर इंसान अलग तरीके से सीखता है। इंग्लिश आज के टाइम की एक ज़रूरत बन चुकी है, एंड सब लोगों को मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इंग्लिश पे थोड़ा ध्यान दें। ऑफकोर्स हमारी मातृभाषा हिंदी है, हमें हिंदी अच्छे से आनी चाहिए। आधे लोगों को तो हिंदी के काफ़ी सारे वर्ड्स नहीं आते। इट इज़ नॉट समथिंग के हमें नहीं करना चाहिए, हमें हिंदी भी पढ़नी चाहिए, बट एट द सेम टाइम इंग्लिश इज़ वेरी डिमांडेड इन द मार्केट। अगर कोई भी बंदा बहुत अच्छे से या फर्राटे से इंग्लिश बोलता है, तो हम वैसे ही इंप्रेस हो जाते हैं कि यार बंदा बहुत नॉलेजेबल है। नहीं, सिर्फ उसकी लैंग्वेज अच्छी है, उसे इंग्लिश आती है, दैट्स इट। कोई बहुत बड़ा तोप नहीं मारा है उसने, बट ठीक है, इंडिया में हम उस तरह लोगों को जज करते हैं, सो व्हाट कैन वी डू। बट यस, एट द एंड ऑफ द डे, जब आप कॉलेज के बाहर या जब भी आप रियल लाइफ में जाएंगे, इंटरव्यूज़ देंगे, इंग्लिश विल बी वन ऑफ द बेसिक रीजंस
ऑफ योर सेलेक्शन इन इंटरव्यू. जितना फ्लो आपका अच्छा रहेगा, जितना आप कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे, उतना आपके चांसेस बढ़ जाते हैं. इंग्लिश इज़ वन ऑफ द बेसिक रीजन्स. सो प्लीज़ डू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सब्जेक्ट्स, डू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज़. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन ऑलवेज ऑलवेज आस्क मी. एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो यू कैन सब्सक्राइब फॉर मोर. मैं रोज़ आई एम थिंकिंग ऑफ कॉम्प्रिहेंशन का हर एक पैराग्राफ रोज कंप्लीट करवाऊँ टिल एग्जामिनेशन. सो वी हैव प्रैक्टिस ऑफ अराउंड 40 पैराग्राफ्स बिफोर एग्जाम्स. सो इट विल बी अ बेटर, इट विल बी अ बेटर, क्योंकि पैराग्राफ में से आई गेस 5 मार्क के क्वेश्चन आते हैं और ये एक टोटल कैश मार्क्स हैं. कैश मार्क मीन्स आपको यू मिल जाएंगे. अगर आपने पैराग्राफ सही से पढ़ लिया और की पॉइंट्स उठा लिए और सब आपको याद है तो आंसर देने में 5 मिनट भी नहीं लगेंगे एंड यू विल गेट 5 मार्क्स फॉर श्योर. सो दैट्स वाई एंड आई एम ट्राइंग कि मैं रेगुलर अपलोड करूँ. रीजन बिंग आई वॉज अ वेरी 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 बिजी. आई वॉज वेरी बिजी. So that's why. So if you have any more doubts, any problems, any issues, कुछ भी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मैंशन कर सकते हैं. आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे. एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशंस. एंड एज ऑन 7th October 2018 वी आर हैविंग अ लाइव स्ट्रीम सेशन. प्लीज़ 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 डू अटेंड. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ पूछ सकते हैं. सुबह 9 बजे हैं. इट्स ऑन संडे तो संडे सब लोग लेट उठते हैं, तो 9 बजे उठ जाइएगा एंड वी कैन हैव अ नाइस डिस्कशन ओवर टी और कॉफ़ी. बाय बाय, टेक केयर.